बोलो सतगुरु देव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, नाम जप में तप में नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता नाम योग संन्यास में, नाम योग संन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेरे कुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी हो या तुरंत मिल जा एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुनो भई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं समय, कह कबीर सुनो भई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे तेरे पास में, तू ही मेरे बेदम तू ही मेरे नादम तू ही मेरे अंतराम तू ही मेरे आद तू ही मेरे तिलकम तू ही मेरे माला तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाल, तू ही मेरे बागम तू ही मेरे बेला तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवे, तू ही मेरे तरवर तू ही मेरे साखा तू ही मेरे बाणी राम तू ही मेरे भास तू ही मेरे पूजा तू ही मेरे पाती तू ही मेरे देवल राम तू ही मेरे पाती तू ही मेरे पूजा तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूजा, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धेना तू ही मेरे राजा राम तू ही मेरे सैन तू ही मेरे मालिक तू ही मेरे मीरा तू ही मेरे सुल्तान राम
तू ही है वजी, तू ही मेरे मुद्रा, तू ही मेरे सेली, तू ही मेरे मुतंगाराम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौस्तिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारशराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, रे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पहमी, तू ही मेरे कुरम राम, तू ही है कलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि न हो न जान, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम दरो हमेशा, तू ही मेरे ही मेरे गोरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तू ही मेरे बर्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्मधीर, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थापि, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे स्वासा, तेरा ही जान राम दर ग्रीब दासा, तू ही मेरे पिंडा, तेरा ही जान राम दर ग्रीब दास, द्रुप्त सुता को दिन लीर, द्रुप्त सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मो को समझाई, दुशासन को द्रौपति पकड़ी, दुशासन को द्रौपति पकड़ी, मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी, जो मेरी भगत पे छोड़ी ओई, जो मेरी भगत पे छोड़ी ओ, हमरा नाम न लेवे कोई, हमरा नाम न ले तंदे ही से पासा डारी, तंदे ही से पासा डारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, शंखों चीर पीतंबर जी ने, शंखों चीर पीतंबर जी ने, द्रौपति कारण साहेब की ने, द्रौपति कारण ने, शंखों चीर पीतंबर डारे, शंखों चीर पीतंबर डारे, दुशासन से योद्धा रे, दुशासन से
द्रुप्त सुता के चीर बढ़ाए, द्रुप्त सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों नितबन कपड़ा देते भाई, नितबन कपड़ा देते भाई, जाके नौ लख बाल दे आई, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट जम जंजीर, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट यम जंजीर, तात टूट जम पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाज, सकल मई हरि ज्योत विराज, शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न राख, धर्म जनेऊ सतमुख भाख, दया भाव तिलक मस्तक दी जय, प्रेम भक्ति ऐसी कार कमावे, कंठी माला सहज समावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे, मन पसरे कुंगट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती तर बुन तारे, तेज पुंज जा ती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन और न दूजा, अनहद नाद पिंड बरमंडा, बाजत आईनी सदा गगन थाल जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना, उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यमर जखमारी, लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा, उन मनि संयम अगम घर जाई, अच्छे कमल मेरा समाई, तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो परशन, प्रेम मगन हो आरती गावे, कह कबीर बुझल भोर हरिदर जी का मर मन पाया, जिन यो चोला अजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, नौ दस मास शिव तत्तव की गुजरी बनाई, चंद सूरज दो ठिगरी लगाई, कोटि यतन कर मुकट बनाया, बिच बिच हीरा आप ऐसी में आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पैरावे, कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा, ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु ध्यानी, ब्रह्मा संख वेद पड़बाणी, अनंत में गर समाला, शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा, सात समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बैना, अंत कोट जाके बाजे बाजे पूरण, तीस कोटि रामा अवतारी, सीता संगरहंती नारी, तीन पदम सप्त नील कन्वा संग जाना, तीस कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण दास गरीब कह नर लोई, यो पद चीन बिरला कोई, दास गरीब कह नर लोई, साहेब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गरीब सतवादी सब संत हैं, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द श्री पिछाणी,
कबीर सतगुरु मिले आन स्थान रो प्या छुडानी दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो खाने जादे गुलाम अपना कर लीजिए खाने जादे गुलाम तुम्हारा हूँ सही भूब युगा युग पत्र ही बांदी का जा मैं गुलाम 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 हूँ खड़ा रहूं दरबार सो आठों तलबदार दर तुम्हारे कु कई अवगुण अंत पार पड़ी मोहे चुकई मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो जन कहते दास गरीब अपना कर जानी साक्षी एक है डूंगर डर दयाल दसों दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल गरीब जय 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 करुणा मई जय 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 जगदीश गरीब राग रूप रघुबीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावई गरीब दास बन जाम गरीब बांधी जाम गुलाम की जब लग तुमरा राज गरीब पर लो कोटे अनंत है धरनी अंबर दौले मैं दरबारी दर खड़ा अचल तुम्हारी पोल गरीब समर्थ तू जगदीश है मैं शरणागति आईया तुम हो अदम उदार गरीब संतों की फुल माले है वर्णों मृत अनुमान मैं सब हन का दास हूँ करो बंदगी दान गरीब अर्ज आवाज अनाथ की आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं चाल भी अंगम बीन नहीं शंकर ब्रह्मा तीन गरीब दूजा ओपन आप की जेते सुर नरसाद मुनिवर सिद्ध सब देखिया सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम या मैं मीनन मेख गरीब पा निदान सुन के सो करता रे गरीब दास मुझ दीन की रखियो पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस यम की कर चंप नहीं उधर जात है वंश गरीब लल पंख अनुराग है दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर भक्ति है ते आन काया दरियाए अवगत सहत कबीर नानक दादू अगम अगादू जाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए कोटि भानु पर काश पूर्ण रोम रोम की लार है असल अभंगी दार है धन सत गुरु उपदेश देवा चौरासी ब्रह्म मेटई तेज पूंज अन देह धर कर इस विधि हम को बैठई शब्द निवास आकाश वाणी चंद सूरज ना पवन ना पानी ना जा छाया धूप रहता रमता राम साहब अवगत अलह अलेख है भूले पंथ विटंब कुल का खाबिंद एक है रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल सुरते नृत को कमल पठाओ जा दीपक बिन तेल
हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर दस गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर तीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर सत साहेब गृह पर पटन वह परलोक है जहाँ अदली सतगुर सार भक्ति से उतरे पाया हम दीदार गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात काया माया न वहाँ नहीं पिंड नहीं गात गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला हिरंबर आदे बलका ज्ञान कमाने का गलत है सरसांद गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला विदेशी आपे रोम रोम पर कासे है दीनिया अजपा जा पे गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला मगन किए मस्ताक प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगा पे गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सुरत की सहन वैसा सतगुरु हम मेला सुरत सिंधु की सहले बजर पोल पट खोल कर ले गया जिनी गहले गरीब वैसा सतगुरु हम मेला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गरीब ऐसा सतगुरु हम मेला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु अगल कभी अबरस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचोरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आज अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहावे दही तो सब मन भाव शक्कर गुड़ की होत पंजीरी माए जमायण गल पीर जीरा हींग मेरच हो लाला जबियो कहिए अज मसाला छाछ कणिया चिंता मैं गोरस पिया चरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे छत्ती सो व्यंजन अड़कार आम नींबू नोर रंगी बदरी बेरम तूत सिरंगी एता भोग भुगावे कोई एता भोग भुगावे कोई परमात्म के चढ़र सोई परमात्म के दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाका रहमा तीन लोक में जाका रहमा दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये तीन लोक में जाका रहमा तीन लोक में जाका रहमा आज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलें बधाइया जी संग ते सुरते ती सो खुश किए सुरते ती सो खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा आज मिलें बधाइया जी संग भोग गुरा नो लगिया
अंजल साहेब रूप है, अंजल साहेब रूप है, खुद आतरिक्षा जाव संग ते भोग लुरानो लगिया, अज मिलें बधाइया जी संग ते भोग लुरानो लगिया। चारों युग परवान है, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। जो अपने सो और के, जो अपने सो और के, एक पीड़ पिछाण संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिलें गुरानो लगिया। भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। लख चौरासी जीव का, लख चौरासी जीव का, आ भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। करता बरसे नीर होए, करता बरसे पूरे सब की आस संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। देते को हर देत है, देते को हर देत, जहाँ तहाँ से आण संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। अण देवा मांगत फिरे, अण देवा मांगत फिरे, साहेब सुन ना कान संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। धर्म तो धस के नहीं, धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। खैरायत में खैर है, खैरायत में खैर है, कीजे आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है दान संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया। तीजी यज्ञ है हवन की, तीजी यज्ञ है हवन, चौथी यज्ञ प्रणाम संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिलें बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया।
खुला भंडारा गैब का, खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरा लगिया। आज मिलें बधाइयां जी संग ते भोग गुरा नु लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब है धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानु लगिया। अज मिलें बधाइयां जी संग गुरानु लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब दास मुक्ता तुले, धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानु लगिया। अज मिलें बधाइयां जी संग ते भोग गुरानु लगिया। सत साहे बंदी छोड़। कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। ये परमात्मा हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साही आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दीन टुकड़े पानी का, कोई जग्या पूर्वला भाग, सफल हुआ दिन व्यंजन क्षति सो ये ना चावे, व्यंजन क्षति सो ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वे बावले देख प्राणी का, कोई जग्या पूर्वला भाग, सफल हुआ दन सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का काट कलाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, पाया फल संत यजमान का, कोई जग्या पूर्वला भाग, सफल हुआ जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों सावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, लाभ ये सतगुरु की बाणी का, कोई जग्या पूर्वला भाग, सफल होया
संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना दसक अनबोल, इसे ना समझ सक अनबोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया, पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल हुआ, धर्मदास ने यह गरचाई, धर्मदास ने यह गरचाई, बिन दर्शन ना जीऊ गुसाई, दर्शन दे के प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई, बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, दिन जिंदगानी का, रया क्यों मो ममता में सोए, मो ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन पता ना आवण होक न होए, पता ना आवण हो तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया, गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया शानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद ने सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया, दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया, श्री धाम छुड़ानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, जन जिंदगानी, साध संगत से वेद जो पाया, साध संगत से वेद स्वामी राम देवानंद ने सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद ने सफल बनाया, दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया, श्री धाम छुड़ानी को, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या भाग सफल होया, दिन जिंदगानी का, सत साहेब।
सन 1398, विक्रमी संवत 1455, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त, काशी नगर का वो लहरतारा तालाब जहां सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर परमात्मा पृथ्वी से 16 शंख कोस दूरी पर स्थित अपने निज धाम से शिशु रूप धारण कर अपने तेजोमय शरीर को हल्का करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद। इस पूरे घटनाक्रम को देख ऋषि जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं, आज यह मैंने कैसा दृश्य देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई भ्रम? गुरुदेव से पूछता हूं। ऋषि अष्टानंद जी के गुरुदेव थे स्वामी रामानंद जी, जो कि विष्णु जी के उपासक थे और वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूं। कहो, क्या बात है? हे गुरुदेव, आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन न कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया। पुनः आंखें खोली तो वह प्रकाश तालाब के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाई दिया। हे गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का निवारण कीजिए, यह मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या कोई दृष्टि दोष? हे ऋषि जी, यह न तो भक्ति की उपलब्धि है और न आपका दृष्टि दोष। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब ऊपर के लोकों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्भ में निवास कर फिर बालक रूप धारण करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं। अष्टानंद, कोई देव पुरुष ऊपर के लोकों से आया है, अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने अपने ज्ञान आधार से शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। स्वामी जी का मानना था कि अवतार मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, लेकिन स्वामी जी को यह ज्ञान नहीं था कि यहां कोई अवतार गण नहीं बल्कि स्वयं पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं, जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वहीं दूसरी ओर काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दंपति भी रहा करते थे। वैसे तो इसी जन्म में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। वह भगवान शिव की भक्ति करते थे और शिव पुराण की निस्वार्थ कथा किया करते थे। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदू धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुस्लिम लोगों द्वारा जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया, जिसके बाद हिंदू धर्म के ही अन्य पंडित ब्राह्मणों ने उनको मुसलमान घोषित कर उनका कथा करना और गंगा दरिया में स्नान आदि करना बंद कर दिया, जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाने लगे। भले ही उनको मुसलमान बना दिया गया था, परंतु अब भी भगवान शंकर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन की तरह ब्रह्म मुहूर्त में आज भी नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर स्नान करने जा रहे थे।
संतान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शिव शंकर जी से रोते रोते हृदय से प्रार्थना करते हुए जा रही थी। हे भगवान शंकर, आपके दरबार में लालों की कमी है, एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता। नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है, अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते। आप रो मत, ऐसे रो रो कर अपनी आंखें खराब और कर लोगी। हमारा कोई उंगली पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में। इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कमल के फूल पर परमात्मा प्रकट हो चुके होते हैं। प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है, फिर बाद में नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। जब नीरू स्नान कर रहा होता है, तब नीमा पहले वाले वस्त्र धोने के लिए पुनः किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख नीमा सोचती है कि कोई सर्प फन हिला रहा है। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है, अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गए हैं। ये शंकर भगवान इसको सद्बुद्धि दो दाता। देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। बस करनी माँ, अब तुझे यहाँ जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जल में कहाँ से बालक आएगा। हे भगवान, देखना, वो बच्चा डूबेगा जल में। ये बालक पता नहीं किसका है, अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे कि किसका बालक चुरा कर लाए हो। हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा, इस बालक को भी छीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे। अब हिंदुओं से हमारा संपर्क रहा नहीं और मुसलमानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे, इसी में हमारी भलाई है। अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर। नीरू नीमा को सारी स्थिति से परिचित करवाता है, जिसके बाद नीमा बोलती है, पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादू कर दिया, इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है, क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकर्षण पैदा किया है, उसी की वजह से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती। मैं मर सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। नीमा, तू बहुत सिद्धि हो गई है, मैंने तुझसे आज तक गुस्से से भी नहीं बोला, यह सोचकर कि तू पहले ही संतान के वियोग में दुखी रहती है, परंतु अब मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। देखो जी, आप कुछ भी कहो लेकिन मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती। नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी नीमा नहीं मानती। तब नीरू ने रोते हुए आंखों में आंसू लिए पहली बार नीमा के ऊपर हाथ उठाया और बोला, रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। नीरू, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये क्या बालक बोल रहा है, जरूर यह भूत प्रेत या कोई सिद्ध पुरुष है। हे शंकर भगवान, लाज रखना। यह विचार कर नीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है। परमेश्वर का शरीर बहुत सुंदर था, आंखें जैसे कमल के फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो।
पूरी काशी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। नवजात शिशु रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमड़ पड़ा। जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। शिशु रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खींची चली जाती। देखते ही देखते स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरू के घर बच्चा देखने को आने लगे। परमेश्वर कबीर जी को देखकर कोई कहता यह बालक तो देव अवतार है, कोई कहता कि यह तो साक्षात विष्णु जी आए हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है। मेरे बच्चे के विषय में कोई कुछ मत कहो। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हो? नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परंतु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसीलिए हम इसे देखने आए हैं। हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरे बच्चे की रक्षा करना। नीमा ने बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी को ज्यों है दूध पिलाने की कोशिश की तो परमेश्वर ने मुंह बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीरू नीमा बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन बीत गए परंतु बालक ने कुछ नहीं खाया पिया। माता पिता चिंतित हो गए कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है, लेकिन भले ही 25 दिन हो गए फिर भी बालक रूप में परमेश्वर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित कैसे रहेगा, इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। यह सोचकर एक दिन नीमा फूट फूट कर रो रही थी और व्याकुल होकर भगवान शंकर से रह रह कर प्रार्थना कर रही थी कि हे शंकर भगवान, या तो ये बालक देना ही नहीं था, जैसे तैसे रो धोकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लेती, और अब दिया है तो ये मुझसे छीनो मत, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ये बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी। तब परमात्मा जो अजर अमर अविनाशी हैं, भगवान शिव को प्रेरणा करके बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं पर मेरी चिंता में जरूर मर जाएगी। क्यों रो रही हो बेटी, क्या परेशानी है आपकी? हे महात्मा जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व भगवान शंकर जी ने यह बालक हमें दिया, लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सभी कोशिशें करके हम थक चुके हैं, आज भी इसने कुछ भी आहार नहीं किया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्महत्या करूँगी। आपका बालक मुझे दिखाइए। इस बालक की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख नीमा कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। हे विप्रवर, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। हे शंकर जी, आप इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, जिस पर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, फिर वह दूध देगी। मैं उस कुंवारी गाय का ही दूध पीऊंगा। बेटी, अपने पति को बुलाओ। नीरू, एक कुंवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना। वह बच्चिया दूध देगी, उस दूध को यह बालक पिएगा। नीरू कुछ देर बाद ही एक बच्चिया और मटका लेकर आ जाता है, जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार विप्ररूपधारी शिव जी ने उस कुमारी गाय की पीठ पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूध की धार बह चली।
नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के नीचे रख दिया था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो जाता है। फिर उस दूध को शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने पिया। नीरू नीमा ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए। तत्पश्चात विप्ररूपधारी शिव जी वहां से चले जाते हैं। नीरू नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, तो लालचवश ब्राह्मण लोग बालक रूप परमेश्वर का नाम रखने नीरू के घर आते हैं, लेकिन मुसलमानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदू समाज दबता था। काजियों ने कहा कि अब यह मुसलमान हो चुके हैं, लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से ही करेंगे। इतना कहकर नामकरण के उद्देश्य से काजी कुरान शरीफ को खोलता है, जिसमें प्रथम पृष्ठ की प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर कबीर लिखा मिलता है। काजियों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, तो एक छोटी जाति के बालक का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। यह सोचकर काजी द्वारा पुनः पवित्र कुरान शरीफ को खोला गया, तो दोनों पृष्ठ पर कबीर कबीर अक्षर लिखे मिले। इसके बाद काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निरीक्षण किया, तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर 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 अक्षर लिखा था, अन्य लेख नहीं रहा। यह कोई साधारण बालक नहीं है, इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अल्लाहु अकबर हूँ, कलयुग में मेरा नाम कबीर ही रहेगा। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी का बहुत ही पुण्य उदय हो जाता है उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी के अंदर जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है वो विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। उनमें से आप एक हैं जो परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं, जिनको सत्संग सुनने का समय उपलब्ध हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग आज समापन होने जा रहा है। ये किस उपलक्ष्य में है, पहले भी बताया था, आज भी नए श्रद्धालु आते हैं उनको जानकारी देते हैं। ये वो शुभ दिन है कि इस दिन परमेश्वर कबीर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए और सत भक्ति बताने के लिए अपने परम धाम से सतलोक से चलकर आए थे। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। हमारे पवित्र चारों वेद इसके साक्षी हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82-82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95-95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष सर्वसृष्टि रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहेब है। वो सतलोक में रहता है,
अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहाँ से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, तीन प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं तीन स्थिति में। एक स्थिति में परमात्मा वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते तखत पर एक बहुत बड़े गुम्बज में, वहाँ उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत ज्ञान और सत साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूँ। इसलिए उसने कहा 18:62 श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ ब्रतास का जठरगनी प्रतपाल। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, होय होय हम किसी भयंकर गलती कर काए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार काए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है कोई परदेश जाता है उसके लिए। गरीबदास साहब जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नो, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे। अपन आत्माओं जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के भाई, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के भाई, जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई मन पापी की दौड़, ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। पुनात्मा गुरु का वचन पालन करना
इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं। एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रसन्न किया होगा दास को, तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी, मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा। था तो वो आज बता रहा था जी, मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा का कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं, गरीबदास साहब जी कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो फिर दाणे दाणे नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरी आए हरियाणे नू, मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों के आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी हैं। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधु अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हाँसी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई मात पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूँ। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहें कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने चारों वेदों को, 18 पुराणों को,
श्रीमद् भगवद गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे, उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब उसका नाम कैसे पड़ा, गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती है तो गौ घाटों के ऊपर से वो ओवर फ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था, उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते, वहाँ का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहाँ ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहाँ तो लोक ही एक विशेष है, तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहाँ से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहाँ आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश, कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था, सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा, शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए, अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई, हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। परमात्मा, स्वामी जी ने कहा कि बेटा,
ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहाँ पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं, और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोकों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे, श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, 2, 8, 9 जो बताते हैं ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता हैं, सबके विधाता हैं। उधर से नीरू और नीमा नाम के दो पति पत्नी थे मुसलमान, वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे, उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज़्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे, दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे, वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिवपुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफ़ी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज़्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी मुल्ला पीर खूब प्रीति थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार गणा कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे, किसी दिन यू फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए, तो वह विवश हुआ, उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया नीरू का और उसकी पत्नी नीमा का नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का, और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। नीरू नीमा नी संतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी, 60-62 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब जो उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने,
कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाई काट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देख कर वो बहुत कुड़कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो उस परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जब सतगुरु मिल जाता है, वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर ले, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वह पुनकर्मी नहीं है, नहीं, जिनको सतगुरु मिल गए, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुनकर्मी प्राणी। क्योंकि संतान होती है संस्कार से, कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो एक नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है, जिनकी गोदी में भगवान खेले हैं। वो समर शक्ति जिनको भटक रहे हैं हम खोजने के लिए, जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिए हमने तपा तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणत जांडी काटन का आड़ी तरीका था ही हमारा, गण से जांडी कटिया नहीं करती हो तो वही आरी चाहिए या तीखी को आड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणत जांडी काटा थे, यानी वो विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं स्वयं तो, जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में, तो कुछ भूल पड़े तो काल पड़न देता ना, किसी न किसी को भेज कर उनका इंजेक्शन लगा दे। उस दिन भी, उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी, और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखे बालका बिना तो घर सुनना सुनना लग गए है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लागी वादा चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा में गंगा घाट पर पड़न नहीं देते थे। तो वो वहाँ स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रहे थे, नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी, भगवान अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती, यूं कहकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता, आप रो मत, रो रो का आँखें और ख़राब कर लेगी, बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और आँखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुँच गए। अष्टानंद वहाँ से जा चुका था, पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई, फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान क्रिया किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई, पति नहा रहा था से, जून का महीना गर्मी का मौसम था,
तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही, परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो, फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था, अब उसने सोचा कि अब मेंटल वाली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने इसको जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर, ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली, तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते है, देखो जी मैं सच कह रही हूँ। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की, उसने उसके थोड़ी दूरी पर था, उसने देखा सचमुच तो बालक है, फूल कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गिरिदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को, उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में। ये सब के अंदर डिपॉजिट है, जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए, चले वही देख सकता है। तो इस जो दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है, जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है, तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी, उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे गरदासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हाँसी, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के
और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी रत धामा असी, रत धाम माने सतलोक का मालिक और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़, अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु, ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कह। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए, शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था, परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे, उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक जुलाहा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते, और मैं सत भक्ति करता था भगवान पर विश्वास करके, दिखाया करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा, 18 लाख व्यक्ति आगे थे ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नज़र में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा सुदर थे, और अब पता चला क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे, 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लड्डू कचौड़ी सेब संतरे काजू किशमिश जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े, 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कल जा फट जा, राजा हिल जा देश का, और एक झोपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, दशा की चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं, और साथ में एक असरफी सोने की स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं जो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहाँ भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूँगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में, जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेख है जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान, जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे हम, तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे, और जिस दिन से सतगुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री हो गई हो,
अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग, अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कितना कार में एक्सीडेंट में मर गया, तो समर्थता के काम आई उसकी, और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता, तो वहाँ धनी का काम था वहाँ पर बचाने का, जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहाँ कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही, उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं, कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु, जगत गुरु इसका नाम होता है, ये नकली जगत गुरु कक्का पता नहीं, जगत गुरु लिख रहे हैं तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे, अज्ञानी प्राणी है जिनको कैख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। उन आत्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पे सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, थारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चसकता। एक शब्द कहेगा दिखा दो, कोई एक संत एक दूसरे के प्रति हंगामा मचा दे, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहाँ परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी विद पिट है। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया, ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन, ये संघर्ष किससे वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे, जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के इन लोग नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं, जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों, सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने मत्सी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना, अब कर्तव्य है आपका प्रत्येक भाई बहन का, सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं, असंख्य जन्म या धक्के खाते भटकते हो गए हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं, सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सिद्ध तारे पिंड अपना साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो जो तारे देवे ब्रह्मंडे। अब यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे, दास बनकर, कबीर दास, कबीर दास एकाधीन घूमा करते थे, हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन से दो जाएगी इस भक्ति मार्ग में, और मेरे से कुछ छुपा नहीं, आपने किस चीज़ की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूंगा, मालिक को सब पता है।
जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपनी नहीं चलाना चाहिए, अपनी चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो, तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा। तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इस पर विश्वास रखें। फिर बताते हैं, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए, मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे। मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए। कोटि किरण शिशि भाने शुद्ध आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंत। अब नीमा की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक, ऐसा कलर उनका, और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में, बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चुम्या, प्यार किया, और उनका इतना अच्छा सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत, हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफ़ेद कलर था उस परम पिता का, जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर, सफ़ेद कपड़ा मांगते थे तो नो क्या कर, वो कहता था दुकानदार के स्नो वाइट है ये, स्नो वाइट माने बर्फ जैसी सफ़ेदी, सबसे अच्छी सफ़ेदी बर्फ की होती है, बर्फ की। तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है, तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे वाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है कोई को इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए, पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दें, इसी में हमारी खैर है, क्योंकि पहले तो मुसलमान बना दिए ज़बरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं, और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते, कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, तो ये हमें हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूँ चाहे जीऊँ, और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूँगी पर छोड़ू नहीं इसे, मर जाऊँगी इसके साथ। उसके आगे नीमा, फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ पहले जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था, परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक अर बोल रहे तो डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घनी दुर्गति हो जा, चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखण आवे, नो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है, जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारे पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथा बनाने लगे। तो वहां क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया, मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमन मुसलमान का, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई को इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक, आम नहीं हो सकता, कोई ब्रह्मा है कह विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं।
कोई के वरुण धर्म राय है, कोई कत ईसे सोलह कला सुभान गति, कोई कहे जगदीसे, कोई कहे चल ईश्वर नहीं कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मातृसाए। अब निमा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई कह भगवान के सा दिख है। तो नीरू कहते निमा जो जो उनसे जीखती है नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे, नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनू तापे, होए होए, भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनू ताप, तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे तीन ताप का नाश नहीं हो सकता? तो वो परमात्मा आए, भक्ति मुक्ति ले उतरे और मेटन तीनों ताप। और एक मुसलमान का डेरा करया, दुल्हे के घर डेरा किया, और उसको कहे कबीरा बाप, अपनात्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में जाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त। और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टेरिंग ले रहा है उसका स्टेरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है उसको घुमा रहा है कि या कार आ गई हट जाओ, है कोई स्टेर बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं। ये सारे मिलाकर ही कार बनती है राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी, तब ये चलेगी, इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फटोंगे। दूध न पीवे न अन्न भके है, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। कोई कहे चल, परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी कि हे परमात्मा, रोने लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इससे इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं, इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में, उसके लोक से एकदम सतर्क हुआ, क्या को मुझे कौन पुकार रहा है? जाग कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां आए और पूछा माई क्यों रो रही है? नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख ने ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। यूं कह के फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई, कहा करते हैं अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है, मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भलिए बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि मैं हमारे संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक, नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणा में डाल दूं, इसकी जीवन दान दे दे यू। जो ही चरणों में रखना चाहा बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गए बच्चे परमात्मा। अब वह नीरू नीमा ने सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ मैं,
गरीबदास कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया, धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है, उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए, परमात्मा उनकी गोदी में आ गए और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अरनीमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोल रहे, वो तो बोलता पहले भी दिया था, लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि हे शंकर भगवान, अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान लिया इसने, तो कि आप इसको ये कहो एक कुंवारी गाय लावें और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध देवेगी। अपनात्मा वचन तो मालिक का था, नियमत शंकर जी को बना रखा था। नीमा ने अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक साफ घड़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और वो गाय लिया बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, और अभी सांड ने टच नहीं करी थी, वो जाके संग बैल नहीं लागा, वो लाके खड़ी करी। शंकर भगवान ने हाथ थपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद होगी, डेली दूध देने लगी, तो परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्मा, अब हमने परमात्मा को पहचानना है। अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुणात्माओं, ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमर लोक में, और वहाँ मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है, वहाँ से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं, ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो उस समय उनकी उनके जो परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, और यही हमारे यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं, तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं, अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो अपने आत्माओं, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो इसको, धनी हो जाओगे, अध्यात्म मार्ग के भी और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी पर आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है, फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर, रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है, हमने सुन रखी थी 1000 बार, तो अब उस अभी सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी, तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृत वाणी, आपकी आँखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे,
कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ के भी सपने में भी उडड़ के पड़ोगे, अख हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग न मिलता थे, ये तो भांग का वाड़ा जीवन जाना था, आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वह खड़े दिखाई देंगे, अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते, जो भगवान बता रहे हैं। और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्षर अक्षर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं, शकल कुरान कबीर है हर्फ लिखे जो लेख, काशी के काजी कह या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें कबीर अक्षर था, कुरान सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक दुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर, दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले, काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बनया। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और तीन लोक के वे धनी गुरु अगाधी। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा, एक तीर से दो शिकार करने थे, रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे, उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, इन सोच लो वो इन समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं, इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय, और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये नल लेकर डूबेगी। कबीर साहब कहते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा यश रे, यहाँ कोई यश काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, और जिस गंगा के पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बनाकर वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊं लगी, परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके के किसी बालक का चोट लाएगी, साधु संत कोई भी हो किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी जो वैष्णो साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है, एक तुलसी के लकड़े की लकड़ी की कमणिया होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता है, वह निकल के परमात्मा की गलमगल गई कबीर साहब के।
रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे बेटा शरपात रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लग गए, परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, अब कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा का ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर। जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये, तो परमात्मा ने पूछा कि भगवान मैं एक शंका है मेरे मन में, कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिवपुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में, वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और दुर्गा से शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है, आप कह रहे कि जन्म मृत्यु नहीं होती। तो वो अक्का बक्का उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिवपुराण खोल के भी देख ली क्यों थी संस्कृत में, तो कहने का झूठे इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोग झूठ बोलता है। उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है, क्या तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है। तो परमात्मा के बोलने से पहले वहाँ श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का धानक का बेटा है यो। तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी किसी से। परमात्मा ने कहा हाँ मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण, विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वही मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये धानक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है वो, तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता, और मैं कल आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक धानक के लड़के ने, हम तो बार मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है, हे भगवान कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी। तो सब कहते गरीबदास जी ने लिखा है रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूद जा कर, झूठा है कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा, और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस्टंडे विवेकानंद के गुंडे, रामानंद जी के सामने झोंपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोंपड़ी के गेट पर पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोंपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है तेरी जात, कौन है तू, किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है, तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं, आड्डा पर्दा लाए कर, आड्डा पर्दा लाए कर रामानंद बोजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर डाक को दंत। कुरंग माने मृग की तरह कूदता झोपड़ी में पाँ पीटे। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊ। रामानंद जी कह रहे तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है। तो गरीबदास जी कहते हैं जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए
एक अच्छे से इसकी भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं आधीन गति, दास गरीब आधीन गति, बोलत है बलि जाऊ में। गरीबदास जी कहते बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के, कैसी लीला कर रहा था, एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते, मैं अवगत गत से पैरे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूरी, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नृसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग, सुन स्वामी सत भाख हूँ झूठ न हमर रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच, मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीब दास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सुन रामानंद राम हम और हम बावन नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी, विष्णु जी को तो एक बड़ाई बड़ाई दी थी बात में, उसका रूप धारण कर लिया, हम ये चाहते थे परमात्मा क्या भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में, ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे, पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक ल्याणी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या बताते हैं रामा, परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा, मैं भक्ति मार्ग लेकर आया हूं, परमेश्वर है पंथ, ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो कहते हैं ईश ईश्वर परमेश्वर, जात हमारी जगत गुरु यानी सच्चा ज्ञान और सूर्य पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए माया हूं या मेरी जात समझ लेना, और मेरा पंथ है परमेश्वर का, उस परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अब रामानंद जी कहते हैं अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरे घटमट तन आकार और दास गरीब दर्द लग्या जब हो बोले सर्जनहार। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी को जो भगवान ने अपने आप को भगवान ने कह दिया, तो उस रामानंद जी को दर्द हुआ, इस बात का दुख हुआ कि दुल्हे का बालक दो कौड़ी का जीव अपने आप को भगवान कहता है, तुम मो मुन के पालवा तेरा दुल्हे के गरबा से, दास गरीब अज्ञान गति ए तदृढ़ विश्वास। रामानंद जी जीख कर कह रहे हैं कहते हो मोमन एक मुसलमान धानक के टुकड़ों पर पलने वाले और तू अपने आप को भगवान बता रहा है, मान बड़ाई छोट कर, मान बड़ाई छोड़ कर तुम बोलो बालक बहन, दास गरीब अदमुखी तुम गट एटा एता फैन। अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या बताते हैं तर्क तलु से बोले ते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। पर्दे के अंदर से गालियां दे रहा रामानंद भगवान को कि तेरी जात का पता नहीं कुजात, तो पता नहीं कौन है कहां से पड़ा मिला था और अपने आप को भगवान कह रहा है। पुनात्माओं याद रखना इस बात को, ये रामानंद कैसे भगवान को क्या कह रहा है, और फिर जब सच्चाई से परिचित होगा कि सचमुच ये भगवान है और फिर कैसा भाव होगा, जब उसने सारा कुछ कह लिया, भगवान ने बता दिया कि आई एम गॉड, मानो चाहे मत मानो गुरु जी। रामानंद जी ने सोचा जब इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक छोटा सा बोल रहा है तो भाई खसना नहीं चाहिए, इन्होंने सुना है भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए, थोड़ा विद्वान भी थे, भगवान के चाहने वाले भी थे,
तो वही वार्ता स्टॉप करके कहने लगा, बालक थोड़ी देर बैठ जा, मैं अपनी पूजा कर लूँ। पर्दा लगा हुआ है गेट पर, झोपड़ी में पूजा क्या कर रहा है रामानंद जी, एक मानसिक पूजा किया करता था। जो अन्य कर्मकांड करते हैं वो तो भगवान की मूर्ति विष्णु जी की ठाकुर की मूर्ति को नहाते हैं गंगा जल से, पुराने कपड़े उनके उतार कर धोते हैं सुखाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं और गले में एक मनिए की कंठी डालते हैं तुलसी की लकड़ी के बनिए की। अब उस दिन रामानंद जी कल्पना से कर रहा था वो तो, लेकिन सामने भगवान ने ऐसी दृढ़ बातें कह दी, वो विचलित भी था। तो उस दिन उसका गलती लग गई कि मानसिक पूजा करा करता, जैसे स्वप्ना देखा करें हम, ऐसी मानसिक पूजा होती है जैसे भगवान की मूर्ति नवाई, अभ्यास था डेली का, नवाई कपड़े बदले और फिर उसका मुकुट धर दिया, तिलक लगा दिया, लेकिन उस दिन कंठी डालनी भूल गया, गले में माला। अब माला ना डाले पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता, उस दिन एक नियम है इनका, मुकुट रख दिया भगवान पर, उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा जब उसकी फिर पुनः नवा दवाई करेंगे। मुकुट उतारा पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो और फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब न कोई सामने मूर्ति है, मैंने देखेगा जाँक का बता दियो पटदमक है, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं परमात्मा, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया पंडा परमात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सुख संवेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे हैं, और दूसरी तरफ जुलाहे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इसकी यहाँ थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो एक नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था, उसने संसार को ठोकर मार दी और उस 5 साल के वो जुलाहे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रम कायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाल करे, सुन सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास शर मुकुट में माला अटकी आजाने, स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरे इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोढ़ी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन में लाया, कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल मन मोथल पुथल तो बतेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं मन की पूजा तुम लखी,
मुकटमाल प्रवेश गरीब दास गत को लख तेरा कौन वरण कौन भेख। रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी तुमने जान दी, मुकट में माला फसकी तो डालना चाहवा था मुकट में कवा उलझ गई थी, तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाल। मन की पूजा तुम लखी ये मुकटमाल प्रवेश, और गरीब रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास जी बता रहे हैं कि रामानंद जी गरीबदास गति कौन लखे तुझे कैसे पहचाने हम जीव किस तो वर्ण में यानी दानक जुलाहे सुदर वर्ण में खड़े हो और के आपकी वेशभूषा हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा आप। मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल प्रवेश गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमारा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं, तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दी मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आ गई कि मैं घना ऊपर उठ रहा था अपने आप को पता नहीं के समझ रहा था और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन काफ़ी चर्चा होती आपस में लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से दो बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूँ बैठो करो। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी, कि मैं विष्णु का उपासक हूँ वैष्णो संत हूँ शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहाँ जाओगे कि स्वर्ग में जाऊँगा बच्चा वहाँ देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहाँ बहुत सारे हैं भगवान के दर्शन किया करूँगा सारी सुख सुविधाएँ। परमात्मा बोले वहाँ कितने दिन रहोगे वहाँ कितना समय व्यतीत करोगे, विद्वान पुरुष थे मालूम था और स्पष्ट उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूँगा, फिर कहाँ जाओगे एक पता नहीं बच्चा ले मैं बताऊँगा कहाँ जाओगे फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते, वो साधना मेरे पास है स्वामी जी लेकिन यो मन इतना दुष्ट है इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूँ बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊँची ऊँचाइयों तक जाता हूँ। परमात्मा बोले पहुँचो कहाँ तक जाओगे, ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें और एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है, इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो इसे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं त्रिकुटी के ऊपर, वहां पर तीन रास्ते बन जाते हैं उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहाँ जिसने जैसा जाना है, और सामने का ब्रह्म रंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्म लोक में जाता है, और राइट साइड का एक शपथपुरी है छणवा हजार खेड़े हैं उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद और वहाँ तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहाँ जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना ये समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहाँ जाओगे आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो तीन रास्ते हैं ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो जा नहीं सकते मृत्यु के उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे आपका धर्मराज के पास जाओगे वहाँ आपका अकाउंट होगा, जिस लोक में जाना है नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है वहाँ से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे।
और आपने विष्णु जी की उपासना की, हाँ विष्णु लोक में जाओगे, और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, वज्र कपाट है यहाँ पर, ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते, करके देख तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, मैं खोल उससे खुलेगा, मैं करता हूँ उससे मन। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है, चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगा कर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उस श्वास से, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत् जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया, परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपतशिला दिखाई, धर्मराज काल जहाँ बैठता है अलग से, वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया, फिर ग्यारहवा द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर बारहवा द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वह सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छतर था, वहाँ चौवर रखा था, 5 वर्ष के बालक ने चौवर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परम अक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के, और वो बच्चा हो तेजो में जो भगवान नजर आ रहा था शरीर वाला, वो चमर कर 5 वर्ष के बालक पर, रामानंद जी कभी उसकी तरफ देख कभी बालक की तरफ देख रहे थे, इतने में तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था ए रामानंद, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु अवगत, मेरा नाम अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में, तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहाँ वहाँ चित्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार, तुम स्वामी में बाल बुद्धि ब्रह्म कर्म कियो नास, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास, सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सर्वंग में तू अवगत पुरुष कबीर, कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीब दास अनहद अदर हम पर शो तुम दाम, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीब दास सब रूप के तुम ही सृजनहार, तुम साहब तुम संत हो तुम सतगुर तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, मैं भगता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नास, गरीब दास अवगत मिले या मिटगी मन की बास, दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारण तुम आए हो मगजो। 104 वर्ष का वृद्ध और 5 वर्ष के उम्र के धान के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने, और मेरा कर्म भरम भयो नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
सर नमस्कार। नमस्कार जी। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपको क्या लाभ मिले? जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गई और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जो इंसान एक महीने में 1500 का कोर्स खा रहा था, वो इंसान अब एक भी गोली नहीं खा रहा, तो ये हमें बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट किया इस चीज ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको इतने लाभ दिए कि हम बता भी नहीं सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए, वरना डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि जयपुर वालों ने कि ये नहीं बचने वाली है, रास्ते में खत्म हो जाएंगे, आप इनका इलाज करवाओ या ना करवाओ कोई फायदा नहीं है उसका। लेकिन गुरु जी का नामदान लेने के बाद में मैंने आज तक हाथ में भी नहीं लिया और मुझे इससे राहत मिल गई। अपने आप ही वो नशा, किसी भी प्रकार का नशा मैंने, मेरे से याद ही नहीं आता। गली मोहल्ले में गाली गलौज करना, मारना पीटना, हम उनके डर की वजह से बेड के नीचे तक छुप जाते थे, उनसे कभी सही से बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे पापा ने ड्रिंक छोड़ दी और गुरु जी की कृपा से आज हमें सब सुख है। जब मेरे जेब नोटों से भरे रहते थे उस समय में दुखी था, चला नहीं जाता था, रोग के परेशान, दुख से परेशान, आज हालत खराब थी। आज मैं इतना सुखी हूँ कि मुझे ये चिंता नहीं है क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सब मालिक पूर्ति कर रहे हैं सब तरह से। और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा जो कैंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने 5-6 दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उन सत्संगों को सुनने से मेरे अंदर इतना परिवर्तन हुआ कि मैं तंबाकू खाता था जिससे मैं बहुत दुखी था, पूरे कलेजे में जलन मची रहती थी और मैं सिगरेट पीता था, पूरा चेन स्मोकर था। तो वो सत्संग सुनने, मात्र 6 दिन सत्संग सुनने से मेरी वो सारी बुराइयां छूट गई। पहले प्रथम नाम जब मैंने लिया तो 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की दूर हुई। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो सच्ची भक्ति बताते हैं, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार सच्चा नाम देते हैं जिससे आत्म शांति मिलती है, सुकून मिलता है। हमारी पत्नी के कैंसर था और कैंसर पूरे शरीर में सारी गांठे गांठे हो गई थी और गांठे इतनी थी कि पूरे शरीर में गांठ होकर उनमें जलन मच रही थी। हम सब जगह उनका इलाज करा चुके थे और थक चुके थे, हमें कोई आराम नहीं आया था। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद ठीक हो गई। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे पति ना तो दारू पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना गोश्त मांस खाते हैं। जबकि हम अन्य तांत्रिकों को, हम जो लाखों रुपए डॉक्टरों के चक्कर में लाखों रुपए हम बर्बाद हो चुके थे, संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने के लिए ना तो हमको 1 रुपए वहाँ देना पड़ा और बिना दिए, मतलब के ना से बिना दान दक्षिणा के भी हमारी पत्नी आज तक बिल्कुल रोग मुक्त है और पूरा परिवार स्वस्थ है। तो मतलब तंबाकू के बिना तो वो रह ही नहीं पाते थे, कभी कभी तो मैं खुद उनके तंबाकू उठा के फेंक देती थी कि घर पे नशा नहीं करना करके। लेकिन जिस दिन से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हैं उसके बाद से उन्होंने नशा करना तो छोड़ो, अगर कोई घर पे आया और मंगे कि बीड़ी पीने के लिए हमको माचिस भी चाहिए तो वो भी नहीं देते हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में चेंजेस आया है संत रामपाल जी महाराज की वजह से। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे पास में बस एक ही जगह मेरा बिजनेस था, लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरा एक के जगह दो के जगह 3 जगह इतना सारा मेरे को फायदा हो गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और उस दिन के बाद आज का दिन है, आज 4 साल हो गए। मैंने ना तो कोई सोनोग्राफी करवाई है अपनी, ना ही कुछ डॉक्टर के पास गई हूँ और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के दया से मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ। जैसे मैंने नाम उपदेश लिया और मेरे मतलब एकदम शरीर से मतलब स्वस्थ हो गया मैं। उसके बाद मैं गुटखा छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया, तम्बाकू छोड़ दिया। उसके बाद मैं गुटखा तो जो सुपारी रहता, सुपारी निकाल के मैं फेंक देता था, उसका गर्दा खाता था, इतना अमली था। तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि साइंस कुछ है ही नहीं, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है। जब साइंस फेल हो जाती है वहाँ परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज काम आता है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जो इस भक्ति में आएंगे और भक्ति करेंगे तो वो खुद भी खुद जान लेंगे संत रामपाल जी संत नहीं, ये स्वयं परमात्मा। अब समय मत दौड़ाओ, ये क्या दिख रहा है देश में, ये कितने लोग जा रहे हैं कोरोना से, उनके पास जाइए, उनका ज्ञान समझिए और अगर उन्होंने जो नियम बताया उस नियम के अनुसार आप भक्ति करोगे तो पार हो जाओ। तो
हुकुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम मिल के संग। किए तुम मिल के संगत सारी, दे बोलो तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो तुम मिल के संगत। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम बिसारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसे वक्त भी आ रहा ना। जो सत किसे वक्त भी ना, थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम अपरम पारी, जय बोल जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो। द्रोप्त सुता के चीर बढ़ाया, नरसी के बरबात जी। द्रोप्त सुता नरसी के दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन बन आए कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए बन हरी, जय तुम मिल के संगत सारी, नहीं मिल के संगत सारी, जय बो जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिल के संग जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।